लोकल ई कॉमर्स अगर आप चाहें तो अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है लोकल ई कॉमर्स की, क्या हिस्ट्री है ई कॉमर्स की इस दुनिया में, साउथ एशिया के अंदर ई कॉमर्स किस तरीके से चल रहा है, और इसके ये जो लेक्चर मैं आज आपको ई कॉमर्स का दे रहा हूँ और लोकल ई कॉमर्स का दे रहा हूँ, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये कंटेंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो कंटेंट है जो कि लोकल ई कॉमर्स के अंदर रहते हुए सीखते हुए हमने बनाया है। साउथ एशिया के अंदर दो बड़ी कंपनी, देखिए इस वक्त चाइना के अंदर दो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं, और उस वक्त भी सबसे पहले यही स्टार्ट हुई। तो पहला टाइप है हमारे पास B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अर्ली 2000 के अंदर यानी कि 1999 में अली बाबा हो गया, तो ठीक है पाकिस्तानी इतने पीछे नहीं थे। वो लोग जो चाइना से वाबस्ते थे, इसमें एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आबिद बेली के नाम से इनिशिएटिव। अच्छा, इमरान जुल्फिकार कह रहे हैं ग्रेट इनिशिएटिव इन दीज हार्ड टाइम्स ऑफ द नेशन, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, बहुत दिल से आपका थैंक यू। अच्छा, इसके बाद है स्पिरिट्स कैंडल। अब अगले 3 पे चलते हैं। तो उसके बाद है आपके पास D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में क्या होता है, ऑलबर्ट्स या BY मल्टीफोन कैस्पर के। बिस्मिल्लाहिर्रहमाननेम, दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, और मैं हूं हैदर अहमद काजी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था ई कॉमर्स के लेक्चर के ऊपर जो इससे पहले मैंने डिलीवर किया लोकल ई कॉमर्स के बारे में। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ई कॉमर्स क्या है, तो उसके ऊपर मैंने बहुत ही डिटेल्ड एक आउटलाइन दी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। बहुत सारे लोगों का मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। आज मेरी कोशिश ये है कि मैं इस वीडियो के अंदर बहुत सारे आपके सवाल जो कि उस वीडियो के अंदर पूछे गए थे उनके जवाब दूँ। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक सवाल, जिस तरह मैंने प्रॉमिस किया था आपसे पहले कि आप वीडियो में तमाम सवाल करें, मैं उनका जवाब दूंगा। उससे पहले मैं आज बता चलूं कि आज की वीडियो किस चीज़ के बारे में है और आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, और वीडियो एंड तक देखनी आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है। देखें, ये जो लाइव लेक्चर जो इस वक्त आप देख रहे हैं लोकल ई कॉमर्स के बारे में, ये आप समझें कि ई कॉमर्स लेक्चर का पहला हिस्सा है। वो आउटलाइन जो मैंने आपको इससे पिछली वीडियो के अंदर दी थी, आज उस आउटलाइन का पहला हिस्सा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। और अगर आप लोकल ई कॉमर्स सीखना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं ई कॉमर्स का बिज़नेस करना पाकिस्तान के अंदर, ये अमेज़ॉन की बात नहीं हो रही, ये ईबे की बात नहीं हो रही, ये शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की बात नहीं हो रही, ये पाकिस्तान के अंदर ही बैठे हुए आपने कैसे 15,000 रुपये से बिजनेस स्टार्ट करना है उसके बारे में बात हो रही है। deployers.pk के ट्रेनिंग देता है आपको लोकल ई कॉमर्स स्टार्ट करने की और ई कॉमर्स में जर्नी कैसे स्टार्ट करनी है। तो आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैंने जो टॉपिक आज सेलेक्ट किया है वो होगा हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स के ऊपर। और इसके साथ साथ मैं आज आपको ये बताऊँगा कि टाइप्स कितने होते हैं ई कॉमर्स के। तो अगर तो आप लोग जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान से पहले मैं कोशिश करूंगा दुनिया का ओवरव्यू दूं कि दुनिया के अंदर ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुई है, किसने पहले इसको स्टार्ट किया, हुआ एज अ फाउंडर ऑफ ई कॉमर्स इन द वर्ल्ड। अगर आप ये आज जबरदस्त इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपने एंड तक जरूर देखनी है। इसके अलावा आप लोगों के जो भी सवाल हों, जिस भी किस्म के रिलेटेड हों, जिस भी चीज़ से सर्विसेज से रिलेटेड हों, आपने सिर्फ इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देने हैं। जो साथ से चैट चल रही है, जो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप उसके अंदर जाके किसी भी किस्म का सवाल लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं। आने वाला वक्त लोकल ई कॉमर्स के बारे में बहुत अच्छा है। जिस तरह श्याम सरोवर को आप देखते हैं, साकिब अज़हर को देखते हैं, बहुत सारे लोग जो कि इस वक्त लोकल ई कॉमर्स के जो है कोर्सेज कराना स्टार्ट हो गए हैं, ये वो टाइम आ चुका है कि जब आप सीख लें कि पाकिस्तान में आपने ई कॉमर्स का बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। अमेज़न के ऊपर 13,000+ अकाउंट्स ब्लॉक हुए, यानी कि काम करना इतना आसान नहीं है। फाइवर ने भी पाकिस्तानियों के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए, पेपॉल कब आएगा कोई पता नहीं, लेकिन लोकल ई कॉमर्स अगर आप चाहें तो अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगले 5 मिनट में स्टार्ट कर सकते हैं, इतना आसान है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री क्या है लोकल ई कॉमर्स की, क्या हिस्ट्री है ई कॉमर्स की इस दुनिया में, साउथ एशिया के अंदर ई कॉमर्स किस तरीके से चल रहा है, और इसके अलावा मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि कितने टाइप्स के ई कॉमर्स होते हैं लोकल इन्वायरमेंट में। जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं कि कितने किस्म के ई कॉमर्स के टाइप्स हैं, अगर देखें ये टाइप्स जानना आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है, क्योंकि अगर आप टाइप्स जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने किस बिजनेस के साथ काम करना, आपने किस मॉडल के साथ जाना है। आया आपने B2B के साथ जाना है, B2C के साथ जाना है। तो इस वक्त हैं तकरीबन मेरे पास 8 से 9 डिफरेंट टाइप्स। वैसे दुनिया में तकरीबन 7 ऐसे माने जाते हैं जिन पे तमाम लोग मुत्तफिक होते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 9 टाइप्स हैं। वो कौन से टाइप्स हैं, अगर आप जानना चाहते हैं उस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ जो कि है लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, लेक्चर नंबर 2 प्रेजेंटेड बाय हैदर अहमद काजी। देखें ये जो लेक्चर मैं आज आपको ई कॉमर्स का दे रहा हूँ और लोकल ई कॉमर्स का दे रहा हूँ, ये आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। ये कॉन्टेंट आपको कहीं से भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये वो कॉन्टेंट है जो कि लोकल ई कॉमर्स के अंदर रहते हुए सीखते हुए हमने बनाया है। मैं अलीबाबा से जब ट्रेनिंग ले रहा था तो वहाँ का ई कॉमर्स सीखा, चाइनीज कैसे काम करते हैं वो सीखा, उसके बाद पाकिस्तान में आके डिफरेंट ई कॉमर्स वेबसाइट्स के साथ काम किया और उन वेबसाइट्स को अपलिफ्ट किया, चाहे वो 24hours.pk हो, चाहे वो TCS जैसा ब्रांड हो, चेस जैसा ब्रांड हो, ग्लैमर जैसा ब्रांड हो, या फिर मास्टर ग्रुप जैसा ब्रांड हो, तमाम चीज़ें ऑनलाइन बिकती हैं। और आने वाला टाइम, ये वक्त इतना ज़बरदस्त है बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, आपके पास दस्तरस है, आपके पास चीज़ों की एक्सेस है। जब हमने अपना काम और आगाज़ इस चीज़ में फील्ड में किया था तो हम लोगों को बहुत सारी परेशानियाँ होती थी। तो आज चलते हैं हम लेक्चर की तरफ। तो लेक्चर को जानने से पहले आप ये देख लें कि आज की इस पूरी वीडियो में मैं समरी आपको देने लगा हूँ। जी हाँ, क्योंकि आप लोगों का टाइम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बिल्कुल एफिशिएंटली यूटिलाइज हो। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आज की वीडियो किन किन हिस्सों के अंदर मुश्तमिल होगी, तो वो है 3 मेन इशू। पहले मैं आपको दिखाऊंगा हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स, यानी कि ई कॉमर्स कहाँ से स्टार्ट हुई, वो कौन था जिसने ई कॉमर्स स्टार्ट की, उसके बाद दुनिया में ई कॉमर्स का कैसे रुझान आया और कौन सी वो पहली वेबसाइट थी जिन्होंने ई कॉमर्स और इंटरनेट का भरपूर फायदा उठाया, ये कौन से साल थे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो उस वक्त शायद पैदा भी ना हुए हो, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि कहाँ से ये स्टार्ट होता है, कैसे स्टार्ट होता है, कैसे तरक्की करता है और कैसे दुनिया के अंदर छा जाता है, इसके अंदर पोटेंशियल क्यों है। देखें आज मैं आपको क्यों कहता हूँ कि आप ई कॉमर्स स्टार्ट करें, मैं क्यों कहता हूँ कि आपको ई कॉमर्स की तरफ जाना है, वो इसलिए क्योंकि दुनिया में इस टाइम ई कॉमर्स बूम कर रहा है। दुनिया का सेकेंड अमीर तरीन इंसान जेफ बेजोस, वो एक जॉब करता था। आप आज पाकिस्तान में देखते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ का एक ही रुझान है कि आप जॉब करें। जॉब करने के बाद कैसे आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान बन सकते हैं, क्योंकि उसने ई कॉमर्स की फील्ड को अपनाया और वो वक्त शायद आज पाकिस्तान में आ रहा है। देखिए वो था डेवलपिंग नेशन, ये है डेवलप नेशन, डेवलप नेशन पे बाद में चीज़ें आती हैं। तो कैसे आप डेवलपिंग नेशन की एग्जाम्पल्स लेते हुए डेवलप नेशन के अंदर ग्रो कर सकते हैं, ये आज आपको बताया जाएगा। पाकिस्तान में ई कॉमर्स स्टार्ट करना इतना आसान है कि आपको कंपनी रजिस्टर नहीं करानी पड़ती, आपको लंबे चौड़े खाते नहीं करने पड़ते। अगर आपको 2-3 टर्मिनोलॉजीज और चीज़ों पर ग्रिप आना स्टार्ट हो जाए, आप बड़े आराम से ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसीलिए ई कॉमर्स का नॉलेज हम लोग बांट रहे हैं और deploys.pk इसके ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो आज ही deploys.pk पे जाके रजिस्टर कर लें। तो आज के टॉपिक जो इस लेक्चर के अंदर कवर होंगे वो है 3। पहला होगा दुनिया के अंदर ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुई, दूसरा है हिस्ट्री पाकिस्तान के अंदर। देखिए आज ये जानना बहुत ज़रूरी, क्या अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में पहली ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी थी और फिर कि कौन सी वो वेबसाइट थी जिन्होंने सबसे पहले फ़ायदा उठाया, वो कौन सी वेबसाइट थी जिन्होंने महीने में करोड़ों रुपए की उस टाइम पे सेल की, यानी कि 2014-15 की बात कर रहा हूँ मैं, फिर पहली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कैसे आती है, कैसे बाहर की कंपनी आके पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स स्टार्ट करती है और उसको फिर कैसे अलीबाबा एक्वायर कर लेता है, और फिर किस टाइम पीरियड के अंदर, टेन्योर के अंदर, इरा के अंदर वो चीज़ जाती है। अगर आज आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखना तो बहुत ही ज़रूरी है भाई। उसके बाद तीसरा सेक्शन जो होगा वो होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स। देखें जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि एक किस्म कितनी किस्म की एक चीज़ है तो आप उसमें से किस किस्म का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर इंसान की पर्सनैलिटी डिफरेंट होती है, हर इंसान की जो कहते हैं कि एक एक जो उसकी उसकी शख्सियत होती है वो डिफरेंट होती है। एक बंदा किसी एक चीज़ में कामयाब होता है, दूसरा किसी दूसरी चीज़ में कामयाब होता है। ई कॉमर्स, अच्छा एक चीज़ में बड़े मज़े की आज आपको बताया चलूँ कि लोकल ई कॉमर्स का जो सक्सेस रेट है ना वो 90% प्लस है। इसका मतलब पता है क्या, इसका मतलब यह है कि आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट करने के बाद आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसमें आपको कहीं पर जाके कुछ चीज़ सबमिट नहीं करवानी, उसका अप्रूवल के लिए वेट नहीं करना, पेमेंट के लांझे नहीं है यहाँ पे, पेपाल से पेमेंट किस तरह आएगी इसके सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान में है 90% पेमेंट COD यानी कैश ऑन डिलीवरी होती है। अगर आप इसके बारे में डिटेल्स जानना चाहते हैं तो इससे पहले वाली वीडियो लोकल ई कॉमर्स यानी इंट्रोडक्शन टू लोकल ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, मेरी वो वीडियो जरूर देखिएगा। और अगर आप ई कॉमर्स में मास्टर होना चाहते हैं, ई कॉमर्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो मेरी ये जो वीडियोज़, ये सीरीज़, ये लेक्चर्स जो स्टार्ट हो चुके हैं इनको ज़रूर अटेंड करते जाएं। मैं कोशिश ये करता हूं, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत लगती है, आपके लिए कॉन्टेंट लेके आना पड़ता है, वो सब नॉलेज जो दिमाग में है, दिल में है, निकाल के आपके सामने रखना पड़ता है, ऐसी वीडियोज़ बनानी पड़ती हैं और इनको एडिट करना पड़ता है, तो इसमें थोड़ी मेहनत लगती है। लेकिन जो चीज़
आपको थोड़ी मुश्किल से मिलती है उसी का मजा आता है और उसी को सीखने में भी आप इंजॉय करते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो पहला पार्ट है दुनिया में ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हुई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है ना फैक्ट है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट कैसे, जैसा पहला इंसान था माइकल आर्डिंग। माइकल आर्डिंग ने क्या किया कि यूके के अंदर तकरीबन 1979 के अंदर उसने क्या किया कि 1979 के अंदर उसने अपने घर का एक टीवी लिया, अपने कुछ कंप्यूटर्स के जो है जिसे जिसको सर्वर्स वगैरह कहते हैं या उसके जो हार्डवेयर डिवाइसेस थी उनको टेलीफोन की लाइन के साथ कनेक्ट किया और उसने एक इंटरफेस बना दिया। आप ऐसे कुछ पुराने लोग या आपके वालदैन जो कि आईटी की फिगर से या आईटी की जो फील्ड है उससे अगर वाबस्ता है तो उनको फॉक्स के आइडिया होगा। अगर आपने देखा हो कि जब विंडो आप शुरू में इंस्टॉल करते थे तो शुरू शुरू में एक एमएस डॉस खुल जाता था या एक ऐसी फाइल खुल जाती थी जो कि बहुत ही अजीब तरीके लिखी होती थी। तो ई कॉमर्स का आगाज वाकई ऐसी कुछ फाइल से हुआ है। तो उसने एक डैशबोर्ड बनाया, एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया जिसका जो डिस्प्ले था वो उसने अपने टीवी के अंदर लेके आया और उसने एक ऐसा फोल्डर बना लिया कि अगर आप इसमें ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी लेकिन इसने इतना ग्रो किया कि यूके के अंदर अर्ली 1980s के अंदर ये B2B बिजनेस को बहुत ज़्यादा, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, तो बहुत सारे बिजनेसेस यानी कि जो वॉलमार्ट और इस किस्म की जो सुपर स्टोर्स होते थे उन्होंने इसका फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया, ऑर्डर प्लेस करना स्टार्ट किए और एक एफिशिएंट स्मूथ सिस्टम स्टार्ट हो गया। ये है 1979 की बात। इसके बाद चार्ल्स एम स्टॉक एक नाम है जिसने जो है बुक स्टॉक्स अनलिमिटेड के नाम से एक कंपनी स्टार्ट की 1992 के अंदर। देखिए 1990s ऐसा वक्त था कि जब वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW और इंटरनेट का नजूल हो चुका था। 1992 के अंदर इसने अपनी एक बुक स्टोर लॉन्च किया। देखें ये वो चीज़ है। इस वक्त जेफ बेजोस एक बहुत बड़ी सिलिकॉन वैली की कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट लगा हुआ था। वाइस प्रेसिडेंट बनना इतना आसान नहीं है। आज अगर कोई बंदा वाइस प्रेसिडेंट बनता है, अगर बैंक के प्रेसिडेंट की आप सैलरी की एग्जांपल ले लें तो वो करोड़ों रुपए में होती है। जेफ बेजोस उस वक्त उसका वाइस प्रेसिडेंट था लेकिन उसको इनर ड्राइव मिली। इनर ड्राइव क्या है? इनर ड्राइव अगर आप सीखना चाहते हैं कि इनर ड्राइव क्या है और ई कॉमर्स और लोकल ई कॉमर्स के लिए क्यों जरूरी है तो आपने मेरी से पहली वाली वीडियो जरूर देखनी है, आपको पता चल जाएगा इनर ड्राइव क्या है। तो उसको मिली इनर ड्राइव। इनर ड्राइव ने उसको सोने नहीं दिया और वीपी पे आने के बाद $1,00,000 सैलरी कमोबेश वो ले रहा था। $1,00,000 1990s में कितने होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन इस नशे को उसने छोड़ा, इनर ड्राइव को उसने फॉलो किया और इस बुक्स के स्टोर को जब 1992 के स्टोर्स को उसने देखा बुक स्टॉक्स के नाम से कि वो कितना सक्सेसफुल हुआ है तो उसने क्या किया, उसने अपना स्टोर बनाने की कोशिश की। उसने अपने घर के गैराज के अंदर एक स्टोर बनाया, एक ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म को स्टार्ट करने की उसने कोशिश की और उस प्लेटफॉर्म को जब उसने स्टार्ट किया आप बिलीव नहीं करेंगे, जेफ बेजोस, जी हाँ जेफ बेजोस ने एक गैराज से स्टार्ट किया और वो आज दुनिया का अमीर तरीन इंसान है, सेकंड नंबर पे आता है। उसने उस गैराज से स्टार्ट किया बुक स्टोर के नाम से और अमेजोन, और देखते ही देखते अमेजोन ने इतनी तरक्की की कि वो आज दुनिया पे छा गया है। आज पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं यूटोपिया इंडस्ट्री जो कि पाकिस्तान की 27th एंड थर्ड फास्टेस्ट एक्सपोर्टर, टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स में उनका नाम आ गया, वो सारा का सारा माल अपना अमेजोन पे बेचते हैं। तो इसका आगाज़ होता है 1994-1995 से। 1995 के अंदर ईबे आ जाती है, अमेजोन आया, देखिए सबसे पहले बुक स्टॉक के नाम से आया चार्ल्स एम स्टॉक ने, उसको लॉन्च किया 1992 में, फिर उसके बाद 1995 में, 1994 के एंड 1995 में अमेजोन आ जाता है, फिर ईबे आ जाता है, यहाँ से आपका ई कॉमर्स का आगाज़ हो जाता है। तो माइकल आर्डिक ने इसको स्टार्ट किया, उसके बाद स्टॉक्स के बाद आपका अमेजोन के बाद ईबे और फिर ये दुनिया जो है ये चल पड़ी और ये ऐसी चल पड़ी कि इसने फिर कभी भी रुकने का नाम नहीं लिया। तो 1994 के अंदर अमेजोन आया, फिर ईबे आया और इन्होंने दुनिया पे छाना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, ये तो बात थी दुनिया की कि दुनिया में ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट होता है, लेकिन साउथ एशिया के अंदर क्या हो रहा है। साउथ एशिया वो एरिया है जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, सिंगापुर वगैरह ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे जो दो बड़े कंपनीज जो कि ई कॉमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही थी वो आ रही थी। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है, जो नेक्स्ट पार्ट है, अगर आप देखें तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है साउथ एशिया के अंदर दो बड़ी कंपनी। देखें इस वक्त चाइना के अंदर दो बड़ी टेक्नोलॉजीज हैं और उस वक्त भी सबसे पहले यही स्टार्ट हुई, पहली टेंसेंट के नाम से, जिसके जो ऑनर है मा हुतंग के नाम से उनका नाम है, मैं थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे कर सकता हूँ, चाइनीज़ के नाम बड़े अजीब से होते हैं। और सेकंड है जैक मा, जिसको तो शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो ई कॉमर्स से वाबस्ता और ना जानता हो, और अगर आप नहीं जानते तो भाई ई कॉमर्स आपकी फील्ड नहीं है। अली बाबा का अगर आपने नाम सुना हो तो ये जैक मा उन अली बाबा के फाउंडर हैं। अच्छा, अली बाबा की मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी सुनाता हूँ। जब ये स्टार्ट हो रही थी, अली बाबा का जो ऑनर है वो
उसने इतनी दफ़ा जॉब्स के लिए अप्लाई किया, वो हर जगह रिजेक्ट होता था। कहते हैं कि KFC जब चाइना के अंदर आ रहा था तो अलीबाबा के ऑनर यानी कि फाउंडर जैक मा ने भी उसके अंदर अप्लाई किया। कहते हैं कि 12 लोगों ने इंटरव्यू दिया, 11 लोगों को जॉब ऑफर होगी, मुझे नहीं हुई। इसके अलावा वो बहुत सी फील्ड पुलिस में गए, कहाँ कहाँ नहीं गए, उनको जॉब नहीं ऑफर हुई। अब देखें, अगर पाकिस्तानी ऐसे होते या आप में से हम में से कोई ऐसा होता तो बहुत मायूस हो जाता। लेकिन आप एक मिनट के लिए सोचते हैं कि अल्लाह ताला ने उसके लिए क्या रखा हुआ था। कभी कभी अल्लाह ताला कहता है कि मैंने आपके लिए गुलदस्ता रखा हुआ है और आप फूल मांग रहे हैं। तो उस गुलदस्ते को हासिल करने के लिए बहुत दफ़ा गिरना ज़रूरी है। आप गिरेंगे तो ही उठेंगे, अगर गिरेंगे नहीं तो आप उठ नहीं सकते। आप खड़े रहेंगे तो उठेंगे कैसे, छलांग लगाएंगे और वापस आ जाएंगे। खैर, जैक मा ने हिम्मत नहीं हारी और जैक मा को एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट थी। उस वक्त अमेरिका के अंदर ये ई कॉमर्स बहुत तेज़ी के साथ चल रहा था, दुनिया के अंदर चल रहा था, यूके के अंदर चल रहा था और ये एक सुपर पावर थी। तो जैक मा को गाइड बनने का बहुत शौक था। इसको इंग्लिश बहुत जो है इंटरेस्ट थी, इंग्लिश उसने सीखी थी। तो बहुत से लोग जब टूर करने चाइना के अंदर आते थे तो ये क्या करता था कि उनका गाइड बन जाता था, उनके साथ गपशप लगाता था। उनमें से कोई एक इसका दोस्त बन गया। जब वो इसका दोस्त बन गया तो उसने एक दफ़ा इसको अमेरिका बुलाया और उसने अमेरिका में जाकर जब देखा कि ई कॉमर्स कैसे स्टार्ट हो गया तो इसने एक ठान ली कि मैंने वापस आके स्टार्ट करना है। इसको अपनी इस पे इतना बिलीव था, लेकिन इसके आसपास जो 14 लोग जो इसके फ्लैट के अंदर अलीबाबा स्टार्ट कर रहे थे, उनको बहुत से ऐसे थे जिनको बिलीव नहीं था, लेकिन जो इसके साथ थे आज वो अरबोपति हैं। जी हाँ, अरबोपति हैं वो। तो शुरू में तो अलीबाबा के ऊपर ऐसा टाइम भी आया कि ये सैलरी देने के पैसे नहीं थे तो क्या करते थे, पिंग पोंग गेम खेलते थे, पिंग पोंग टेबल टेनिस खेलते थे। जो जीत जाता था उसको सैलरी बाकी सारे मिलकर देते थे। तो ये ऐसा वक्त था इनके ऊपर। और आज देखें, अलीबाबा एक दिन में 11/11 पे, अभी नवंबर 11 आने वाला, आप देखिएगा पिछले साल 11/11 पे इसने $73 बिलियन की सेल की है। पाकिस्तान का कर्जा है तकरीबन $90 बिलियन, अगर हम सूद मिला लें तो $128 बिलियन बनता है। यानी इमेजिन करें कि क्लोज टू एक दिन में पाकिस्तान का पूरा कर्जा एक ई कॉमर्स की वेबसाइट उतार सकती है। दिस इज़ द पावर ऑफ ई कॉमर्स। तो और ये लोकल ई कॉमर्स है। और अलीबाबा ने, टेंसेंट ने चाइना के अंदर इतना ज़बरदस्त काम किया कि अमेज़ॉन और ईबे वहाँ पे आए और वो चला गया। लेकिन चाइना लोकल ई कॉमर्स की मैं क्यों एग्जांपल देता हूँ, लोकल ई कॉमर्स के बारे में क्यों मैं बताता हूँ, क्योंकि लोकल ई कॉमर्स में वो ताकत है जो आपके इंटरनेशनल प्लेयर्स को हरा देती है। आज आप अमेज़ॉन के लिए मर रहे, लेकिन क्या आपने एक मिनट के लिए सोचा है के अलीबाबा ने उस अमेज़ॉन और ईबे को वहाँ से निकाल, ना सिर्फ निकाल दिया बल्कि दुनिया में नंबर वन सेल करता है। अमेज़ॉन भी एक दिन में इतनी सेल नहीं करता जितनी अलीबाबा का एक दिन का इवेंट करता है। और वो सब लोकल ई कॉमर्स के ऊपर होता है, जिसमें से कुछ पोर्शन इंटरनेशनल का डेफिनेटली है, बट वो ब्रांड है लोकल और वो ऑपरेट करता है लोकल, वो इवेंट है लोकल और वो प्रेफर करता है लोकल पीपल को। तो लोकल ई कॉमर्स इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, तो अब चलते हैं टेंसेंट के बारे में। अगर आपको बता चलूँ तो वी चैट, जिस तरह व्हाट्सएप की ऐप है, वी चैट की ऐप है 18 जो है करोड़ की ट्रांजैक्शन एक दिन में होती है। इसके बारे में भी मैं इंशाल्लाह एक दिन में वीडियो बनाऊंगा। और पबजी जो गेम, मैं बाकी सब चीज़ें छोड़ता हूँ, पबजी गेम भी टेंसेंट ने बनाई है। तो टेंसेंट और अलीबाबा इस वक्त जॉइंट है टेक्नोलॉजी के, और एक दूसरे के साथ इनकी काफ़ी ज़्यादा वॉर भी चलती रहती है हमेशा। इनका एक मैं बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल बताऊँगा, अलीबाबा और टेंसेंट जो है ये आपस में लड़ते पता कैसे हैं, ये ऐसे नहीं लड़ते कि अलीबाबा ने एक और ई कॉमर्स का ब्रांड एक्वायर कर लिया, नहीं। टेंसेंट जो है अलीबाबा का कोर है, क्या अलीबाबा कोर है ई कॉमर्स, टेंसेंट का कोर्स है टेक्नोलॉजी और पेमेंट मेथड, पेमेंट वॉलेट, ठीक है। तो अलीबाबा क्या करता है कि टेंसेंट के कोर बिजनेस के अगेंस्ट जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनमें इन्वेस्ट करता है, जिस तरह अली पे उसने लॉन्च कर दिया। और टेंसेंट अलीबाबा के कॉम्पिटिटर यानी कि JD.com जो कि चाइना के अंदर दूसरे नंबर पर सबसे टॉप ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर इन्वेस्ट कर चुका है। तो ये हमेशा इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करते हैं। और अलीबाबा ने अगर देखा होगा पाकिस्तान में जो आपका दराज है, दराज से भी पहले उसने इजी पैसा के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी, क्योंकि वो टेंसेंट का कोर बिजनेस है। तो खैर, इसके ऊपर भी मैं किसी दिन इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर आपको क्लियर हो गया हुआ तो अब हम चलते हैं आगे। तो अलीबाबा 1999 के अंदर आ जाती है और 1998 के अंदर टेंसेंट आ जाती है। और ये इस वक्त चाइना के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर धूम मचा के रखी हुई है। पबजी गेम, अगर आपको आइडिया है तो आपको पता चल गया होगा कि ये क्या चीज़ है, क्या सोच है, क्या वो करते हैं। अब आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे दिल के बहुत करीब, और आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब आपका जवाब मिलने वाला है कि पाकिस्तान के अंदर पहली ई कॉमर्स की वेबसाइट कौन सी थी और वो कौन से कैश काउस थे जिन्होंने मज़े उठाए ई कॉमर्स की पूरी हिस्ट्री के अंदर। तो चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर अर्ली 2000 के अंदर, यानी कि 1999 में अलीबाबा हो गया। तो ठीक है, पाकिस्तानी इतने पीछे नहीं थे। वो लोग जो चाइना से वाबस्ते थे, इसमें एक नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आबिद बेली के नाम से।
उसने बहुत सारी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई है पाकिस्तान में, लेकिन ये एजाज़ भी उसको जाता है कि उसने BellyCity.pk के नाम से पहली ई कॉमर्स की वेबसाइट बनाई जिसको ये एजाज़ जाता है। वो चली नहीं चली, कैसे चली, कहाँ चली, लेकिन वो ई कॉम चाइना के अंदर बहुत आता जाता था, तो समझ लें कि चाइना का जैकमा, पाकिस्तान का जैकमा बनने की उन्होंने कोशिश की। उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च की और ये एजाज़ उन्होंने अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने देखा अलीबाबा वहाँ पे कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से अमेज़न ईबे को टक्कर दे रहा है, तो पाकिस्तान में आकर उन्होंने लॉन्च किया। लेकिन वो ये भूल गए थे कि टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में भी दूर दूर तक नहीं आई। इंटरनेट अगर आपको याद हो तो आप कैसे एक कार्ड लेके आते थे, उसको लगाते थे मॉडम टी 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 करके बज रहा होता था, और किस तरीके से फिर, और खैर उस टाइम पर ज़्यादातर बच्चों की अटेंशन और अट्रैक्शन जो है वो याहू चैट रूम्स की तरफ ज़्यादा होती थी, ई कॉमर्स की तरफ कम होती थी, तो खैर वो इतना अच्छे तरीके से नहीं चल सकी। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दुनिया के अंदर ई कॉमर्स बूम कर रहा है, चाइना के अंदर ई कॉमर्स बूम कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर भले नहीं कर रहा, लेकिन वो लोग, वो एक्सपर्ट्स जो कि बाहर बैठे हैं, जिनको आदत है ई कॉमर्स की वेबसाइट से खरीदने के लिए, यहाँ पे कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने बहुत अच्छा काम किया। TCS सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस ने और Tohfe.com 2002 के अंदर लॉन्च हुए और इन्होंने अपनी वेबसाइट बनाई। ये वेबसाइट का पाकिस्तान के अंदर वो चल रही है, लेकिन उसका मकसद कतई ये नहीं था कि पाकिस्तान की ऑडियंस को वो कैटर करे, ये एक्सपर्ट्स को काउटर करते थे। किसी की बर्थडे है, आप नहीं आ सकते, फ्लाइट तो करा के नहीं आ सकते ना, तो आप क्या करते थे कि एक तोहफा खरीद लेते थे एक Tohfe.com या सेंटीमेंट्स एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाके, और अपने प्यारों को बर्थडे केक बुके वगैरह आप विश कर देते। कितनी ज़बरदस्त सर्विस थी, ये ई कॉमर्स स्टार्ट होता है पाकिस्तान का यहाँ से, और इन लोगों ने बहुत कमाया। 250-300 रुपये का केक 2000-3000 रुपये का इन्होंने बेचा, और इन्होंने सर्विस भी अच्छी दी कि रात 12 बजे घंटी बजती है और आपके चाहने वाले के घर पे केक डिलीवर हो जाता है। मैं TCS सेंटीमेंट्स के अंदर काम कर चुका हूँ और मुझे पता है कि किस किस्म के और कैसे कैसे ऑर्डर्स आते हैं, और 70-80% इसके अंदर ग्रॉस मार्जिन होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, अगर आप समझ सकें तो। ये था आगाज़ पाकिस्तान में ई कॉमर्स का। अच्छा, इसके बाद अर्ली 2005 एंड 2006 के अंदर सिम्बियोस और homeshopping.pk आई शॉपिंग, ये वाली वेबसाइट्स आती हैं। अब यह करती है, देखिए होम शॉपिंग का अगर आपको आइडिया हो तो कस्टमर आज भी इन पे इतना ब्लाइंड ट्रस्ट करता है कि उस टाइम पे 3.5 लाख रुपए की पेमेंट पहले कर देता था और कहता था कि मुझे ये प्रोडक्ट डिलीवर करवाओ। तो आईफोन हो गया, गिटार हो गया, म्यूज़िक टूल्स हो गए, ये सब के सब 3-3, 4-4 लाख के यामा आके वो ख़रीदा करते थे और वो डिलीवर होते थे, और ये ब्लाइंड ट्रस्ट करते थे इन वेबसाइट्स पे। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि लोग ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर पहले ट्रस्ट नहीं करते थे, और COD पेमेंट आज भी 90% है, तो आप समझिए कि उस टाइम कितनी ज़्यादा होगी। तो फर्स्ट टाइम सिम्बियोस ने इंट्रोड्यूस करवाया TCS के साथ मिलकर कि अब होगा कैश ऑन डिलीवरी। इसने एकदम मार्केट के अंदर रेवोल्यूशन ले आया। इसने क्या किया कि सिम्बियोस ने कहा कि ठीक है, अगर आपको कोई प्रोडक्ट पसंद है आप उसको मंगवाएं, और जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए, देखिए पहले डर ये होता था कि प्रोडक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पैसे ले दिए तो वो ज़ाया हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि प्रोडक्ट आपको मिले तो पेमेंट करें। अब मसले दूसरे थे कि यार वो प्रोडक्ट अंदर कुछ और होता था, लेकिन लोग इसमें ही बहुत खुश थे कि यार पहले मुझे मिल जाता है तो मैं पैसे देता हूँ। इसने एक बूम स्टार्ट कर दिया, और जितना सिम्बियोस होम शॉपिंग आई शॉपिंग ने कमाया है आप लोग सोच भी नहीं सकते। तो खैर ये था वो सेकंड एरा जो कि 2005-2006 के अंदर आता है। अब एरा जो आ रहा है वो है 2012 एंड 2013 का। यहाँ पे 3G इंट्रोड्यूस हो जाता है, तकरीबन 2014 के अंदर 3G पाकिस्तान में अंदर आ जाता है। लेकिन 2012 और 13 के अंदर ऐसा क्या होता है, रॉकेट इंटरनेट वेंचर क्या है, दराज को ऑन करते थे KMU। उन्होंने 5 से 6 तकरीबन 7-8 किस्म के जो है ना प्रोडक्ट मुतारफ़ करवा दिए जो कि दुनिया में बहुत अच्छे चल रहे थे। इनका मॉडल ही है कि ये क्या करते हैं कि इसे डेवलप्ड नेशन की चीज़ उठा के डेवलपिंग नेशन में लॉन्च करते हैं और फिर उसको बेच के एग्जिट कर जाते हैं, यानी कि आते हैं बलून फुलाते हैं बड़ा करते हैं बेचते हैं और निकल जाते हैं। दराज को भी इन्होंने ऐसे ही बेचा। तो क्या होता है कि इन्होंने कारमोदी, लामोदी, ईजी टैक्सी, फूड पांडा और जवागो, KMU और दराज इसको लॉन्च कर दिया पाकिस्तान के अंदर। इसमें बहुत सारे शुरू में सही चले, कुछ नहीं चले, बंद हो गए, लेकिन करीम को के मॉडल से पहले भी इजी टैक्सी के नाम से और कारमोदी के नाम से इन लोगों ने मुतारिफ करवाई थी ये सर्विसेज, बट वो नहीं चल सकी। रेंटा कार, अच्छा जामोदी भी था जो कि Zameen.com है, ठीक है। तो इस किस्म की चीज़ें उन्होंने मुतारिफ कराई, कुछ टीम्स अच्छी थी, अच्छा चला गई, जिस तरह KMU और दराज की बहुत अच्छा चल गया। KMU और दराज का मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल दे दूँ। KMU में क्या होता था कि कोई भी वेंडर, मैं आप कल को कुछ भी लगा के बगैर वेरिफिकेशन के ऑन कर देते, बिलीव मी। मैंने एक दिन क्या किया, एक प्रोडक्ट की तस्वीर KMU से ही खींची और उसको एज अ वेंडर बन के लगा दी। मेरे पास दिन के कम से कम 10-10 ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए। तो ये वो वक्त था, तबाह के ऑर्डर आ रहे थे लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वेंडर कौन है नहीं पता, क्या बेच रहे नहीं पता, कोई स्क्रूटनाइज नहीं था, और ये इस वक्त इवॉल्व कर रहे थे। और सबसे बड़ा जो मॉडल का उनका मकसद था KMU का, वो यही था कि हमें बड़ा करना है और बेचना है। तो धड़ाधड़ वेंडर इन्होंने भरना स्टार्ट किए, लेकिन आदम दाऊ
दाऊद बहुत ज़्यादा समझदार थे। ऐसे केम्यू ने भी आजमाला डॉट पी के से नाम से पहले स्टार्ट किया, बेसिकली उसको एक्वायर किया, देन उसको केम्यू पे कर दिया था। तो आदम दाऊद वन ऑफ द वेटरन इन द इंडस्ट्री और मेरे, मैं उनको उस्ताद मानता हूँ, मैंने उन्हीं से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, उन्होंने बहुत सिखाया है और मैंने उनके साथ टीसी सेंटीमेंट्स में भी काम किया है। तो आदम दाऊद ने बहुत अच्छे तरीके से केम्यू कंट्रोल किया, केम्यू का नाम बनाया और केम्यू का बैलून बहुत बड़ा कर दिया। अब वक्त, अच्छा दराज क्या था, दराज होता है ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी उसके ऊपर प्रोडक्ट्स थोड़े से महंगे होते हैं लेकिन ट्रस्टेड वेंडर्स होते हैं। जब तक वेंडर ट्रस्टेड नहीं होगा या ब्रांडेड शॉप नहीं होगी, दराज पे नहीं खोल सकते। अब वो फिर एक वक्त आया कि दराज और केम्यू दोनों को मर्ज कर दिया, ना सिर्फ यहाँ बल्कि देखिए इन्होंने बांग्लादेश, म्यांमार और ये तमाम डेवलपिंग नेशन के अंदर ये खोला था। अच्छा अब उस पर क्या होता है कि उन्होंने उसको मर्ज कर दिया तो गंदे अच्छे वेंडर सब सेट हो गए और दराज को दराज मॉल का नाम दे दिया। दराज मॉल में अब सिर्फ और सिर्फ ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, यानी ब्रांडेड ब्रांड्स की लाइक मल्टीफॉर्म की, गुल अहमद की, गुल अहमद तो खैर नहीं करता लेकिन अलकरम वगैरह, जे डॉट, इनकी शॉप्स होती हैं और वो ट्रस्टेड वेंडर्स होते हैं। हायर की शॉप होगी ट्रस्टेड वेंडर्स की। तो ये जो है एक इरा स्टार्ट होता है आपका 2014 के अंदर। अच्छा इसको हम कहते हैं रॉकेट वेंचर का इरा। इसके बाद मार्केट प्लेसेस का इरा होता है। ये बहुत ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग था। ये 2017 तक चला। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट प्लेसेस ब्लैक फ्राइडे और बिग फ्राइडे, ब्लैस फ्राइडे, इस किस्म की कंपेनियाँ करते हैं। इस वक्त नशा सिर्फ ये था कि कोई भी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म 1 बिलियन की सेल को क्रॉस करे। तो दराज और ये वो इस वक्त दो उभरते हुए मॉडल्स निकले। टेंसेंट के बहुत सारे बॉयज़ और बहुत सारे लोग आए ये वो को एक्वायर करने, दराज को एक्वायर करने। अब ये वो वक्त था कि जस्ट उन्होंने बैलून बड़ा करना था, तो इसमें TCS ने बहुत जंग लड़ी क्योंकि कुरियर पार्टनर भी था, उनके पास डेटा था, उनको पता चल रहा था कि बिज़नेस कितना ग्रो कर रहा है, तो वो भी ई कॉमर्स के अंदर कूद पड़े। आदम दाऊद केमू से तोड़ के इन लोगों ने यहाँ पे लॉन्च किया। ये वो ने ऐसी टक्कर दी दराज को कि एक वक्त ऐसा लगता था कि ये वो छा जाएगा। तो ये वो एरा था कि जब 1 बिलियन की रेस के पीछे सब चल रहे थे। अच्छा यहाँ पे एक बड़ी ज़बरदस्त बात हुई, एक ब्रांड खाडी इन मार्केट प्लेस से भी पहले 1 बिलियन की लोकल ई कॉमर्स के अंदर सेल करके बैठा हुआ। इंटरनेशनल के नंबर अभी मैं बता रहा, लोकल में सेल करके बैठा हुआ था। ये एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, एक इतनी बड़ी अचीवमेंट थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, लेकिन ये अचीवमेंट हुई और इसने बताया कि फैशन रिटेल आने वाला दौर है। तो आखिरी और इस वक्त का ये जो एरा इस वक्त चल रहा है ये फैशन रिटेल का है। जी हाँ, गुल अहमद, खाडी ये मिलकर इतनी ज़्यादा सेल कर रहे हैं कि आपकी सोच है, मल्टी बिलियंस की सेल कर रहे हैं। एक स्टैट्स आपने पिछले जो देखा था कि पाकिस्तान के अंदर आलमोस्ट 9 मंथ में 76 बिलियन की सेल हुई है। अगर मैं फैशन रिटेल का इसमें से शेयर निकाल दूं तो वो बहुत ही कम रह जाता है, यानी कि फैशन रिटेल ने आलमोस्ट इसमें से 80-85% सेल की होगी और बाकी जो है वो बाकी डिफरेंट अदर प्लेटफॉर्म से आएगी। तो फैशन रिटेल इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया। अच्छा जो मार्केट प्लेस एरा था ना, उस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स बिकते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल सबसे ज़्यादा एरा था मोबाइल का, तो मोबाइल सबसे ज़्यादा बिकता था। ये है ज़बरदस्ती हिस्ट्री ई कॉमर्स की। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आपने फिर से समझना है। इस वीडियो को दोबारा रिपीट करें, बहुत इंजॉय करेंगे और इंटरेस्ट में आपको ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगा। ये क्यों इसके इतनी ग्रिप है, क्योंकि इन सब फेजेस से हम निकले हैं। मेरा पूरा करियर इसके ऊपर है, मैंने इसके ऊपर काम किया, मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री के साथ, मैंने मार्केट प्लेस के साथ भी काम किया है, मैं स्टार्टअप के साथ भी काम किया है, मैंने फैशन रिटेल के साथ भी काम किया है और इस वगैरह कौन सा चल रहा है मैं उसके साथ भी काम कर रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप समझ लें कि कैसे बिजनेस आता है, कहाँ पे आपने ग्रो करना है और किस तरीके से निखरना है। अब आपका सवाल ये होगा कि यार ठीक है, हमें समझ आ गया कि ये करना है और इसमें ग्रोथ भी है और इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी है। ट्रस्ट मी, आपको पता है कि सिम्बियोस जैसी वेबसाइट करोड़ों रुपए जब वो कमा रही थी, उस वक्त के करोड़ रुपए आज के 10 करोड़ रुपए हैं। और फिर उसके बाद जब इसको एग्जिट किया उन्होंने, बेचने के बाद आप सोच नहीं सकते कितना ज़्यादा पैसा उन्होंने कमाया। दराज के अंदर जी जितनी मिलियंस ऑफ डॉलर की एक्विजिशन हुई है अलीबाबा की तरफ से, आप सोच नहीं सकते कि उन्होंने कितना ज़्यादा पैसा इसके ऊपर बनाया है। ई कॉमर्स में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। अच्छा अब ठीक है भाई, ई कॉमर्स में ग्रोथ है, आप कह रहे होंगे कि हाँ ई कॉमर्स में ग्रोथ है, हमें समझ आ गई है। तो करना कैसे है, करना ऐसे है, सबसे पहले समझेंगे ई कॉमर्स की टाइप्स कितनी है। जब आपको समझ आएगी कि टाइप्स कितनी है तो आपको पता होगा कि आपने किस टाइप के अंदर जंप इन करना है। आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त सी स्लाइड आ रही है, अगर आप इसको, मैं थोड़ा यहाँ पे हूँ तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर सबसे पहली होती है टाइप। समझ लें, ये नॉलेज कहीं नहीं मिलने वाला मेरे भाई। मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ, मुझे तेज़ थोड़ा इसलिए बोलना पड़ रहा है बिकॉज कैमराज गर्म हो जाते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, आपका भी वक्त कीमती है। लेकिन ये नॉलेज ऐसा है ना, इंशाल्लाह ताला ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। आप 25-25, 30-30 हज़ार, 1-1 लाख रुपए के कोर्स देंगे ना, आपको ये नॉलेज नहीं मिलेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको दे रहा हूँ। आप सिर्फ एक रिक्वेस्ट ये है कि आप इस चीज़ को फॉलो करें और ये वीडियो किसी ऐसे बंदे से शेयर कर दें जिसको वाकई इसकी ज़रूरत है। क्या पता ये वीडियो देखने के बाद बहुत सारे लोग इतने जो कि फंसे हुए, इनको समझ नहीं आ रही क्या करना है, ना उम्मीद है, वो कोई उम्मीद पकड़ लें। बस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है। तो पहला टाइप,
पहला टाइप है हमारे पास B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। परेशान मत हो, अभी सिर्फ नाम समझ लें, नाम समझ लें, मैं एक एक एग्जाम्पल के साथ आगे एक्सप्लेन करूँगा। एक्सप्लेन किए बगैर मैं नहीं जाने वाला, एक्सप्लेन किए बगैर मुझे भी चैन नहीं आएगा, तो समझ लें। तो पहला है B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, दूसरा है B2B बिजनेस टू बिजनेस, तीसरा है C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, फिर है D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, और फिर B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, फिर C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, देन B2B2C बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की कर रहा है B2B2C बिजनेस टू कंज्यूमर। और उसके बाद फिर हमारे पास दो नए सेगमेंट्स आ जाते हैं, ये कहीं नहीं मिलेंगे, ये दो नए सेगमेंट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ये पाकिस्तान के अंदर मिलेंगे, पाकिस्तानी मार्केट के अंदर ही सिर्फ इंप्लीमेंट होते हैं। S2B स्टार्टअप टू बिजनेस एंड देन C2A, ये आपको शायद दुनिया में कहीं ना कहीं किसी किसी जगह में मिल जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के अंदर है। तो ऐसे कहते हैं कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली कंज्यूमर टू गवर्नमेंट है ये। अब परेशान ना हो, बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल दे के बताऊंगा, जब तक एग्जाम्पल दे के आपको नहीं समझाऊंगा, आपके दिमाग में नहीं जाएगा ना, मैं आपकी जान ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो चलते हैं सबसे पहले टाइप की तरफ, वो है B2C यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। इसकी क्या एग्जाम्पल होती है कि कोई भी बिजनेस है, ठीक है, वो किसी कंज्यूमर को बेच रहा है। आज आप अपना प्राइवेट लेबल बना लेते हैं और बेचना स्टार्ट कर देते हैं, वो है बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। उसमें गुलामत खाड़ी, बहुत सिंपल एग्जांपल है, कोई आप इसमें डीप डाउन जाने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल, बिजनेस टू कंज्यूमर, ग्लैमर और खाड़ी। सेकंड है बिजनेस टू बिजनेस, यानी के अलीबाबा, हम सफर ऐप का आपको पता है नहीं पता, एंग्रो ने एक ऐप बनाई है जो सिर्फ अपने डीलर्स को वो खाद वगैरह उसमें प्रोवाइड करता है और किसी आम बंदे को के लिए वो नहीं है। तो बिजनेस ने बिजनेस को दिया हम सफर ऐप के थ्रू, इट्स वन ऑफ द लीडिंग एंड द हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग ई कॉमर्स ऐप इन पाकिस्तान एंड वन ऑफ द टॉप B2B प्लेटफॉर्म इन पाकिस्तान। हम सफर ऐप है, इसके बारे में सर्च कर लीजिएगा, तो ये होता है B2B। थर्ड फॉर्म आती है C2C यानी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ये भाईजान क्लासीफाइड ऐड है OLX.com, चाहिए OLX.com पे आप आते हैं, OLX आप यूज़ करते हैं, पाकविल यूज़ करते हैं, तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कंज्यूमर कंज्यूमर को बेच रहा है और दरमियान में सिर्फ एक प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहा है, दैट इज़ कंज्यूमर टू कंज्यूमर, कस्टमर टू कस्टमर टाइप ऑफ ई कॉमर्स, ठीक है। तो ये तीन हो गए, अब अगले तीन पे चलते हैं। तो उसके बाद है आपके पास D2C यानी डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर में क्या होता है, ऑलबर्ट्स या BY मल्टीफॉर्म, कैस्पर के नाम से, देखें कैस्पर एक ऐसा है मैट्रेस इन अ बॉक्स, और पाकिस्तान के अंदर मैट्रेस इन अ बॉक्स BY मल्टीफॉर्म से अच्छा किसी का भी नहीं है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, यानी कि मैट्रेस बॉक्स के अंदर आपको मिल जाते थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि मैट्रेस डीलर्स को देते हैं, डीलर्स की दुकान पे होता है, आप दुकान में जाते हैं, दुकान से खरीदते हैं और उसके बाद फिर आपके घर आता है, मैट्रेस इन अ बॉक्स लॉन्च कर दिया जी। आप अगर कराची के 10वें माले में भी कहीं पर रहते हैं, आराम से एक डब्बे में पैक हुआ हुआ मैट्रेस आपके पास आ जाएगा, वो होता है आपका डायरेक्ट टू कंज्यूमर, क्योंकि इसमें डील दरमियान का डीलर वीलर निकाल देते हैं। तो B2 अगर आपने B by मल्टीफॉर्म लेना है तो BY मल्टीफॉर्म.com पे जाएं, ऑर्डर प्लेस करें और मैट्रेस इन अ बॉक्स रोल हुआ हुआ अपने घर पे पाएं बगैर किसी भी प्रॉब्लम के। तो ये होता है D2C। उसके बाद आता है C2B कंज्यूमर टू बिजनेस, उसमें एफिलिएट ब्लॉगिंग, हमजा भट्टी का तो आपको पता होगा, वो डिफरेंट वेबसाइट डिफरेंट वीडियोज़ बनाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इंस्टाग्राम की वीडियोज़ बनाता है, वो किसी भी रेस्टोरेंट के लिए जाके अगर वो TKR जिस इस्लामाबाद में एक रेस्टोरेंट है उसके लिए उसने वीडियो बनाई, उसको पैसे मिले, तो ये हो गया आपका C2B यानी कंज्यूमर टू बिजनेस। इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मेट आपके पास आता है वो है B2G यानी बिजनेस टू गवर्नमेंट। इसमें NTS टेस्टिंग और पाशा सॉफ्टवेयर, ये जो गवर्नमेंट को सर्विसेज दे रहे होते हैं, ये इसके अंदर आ जाते हैं। तो ये 6 किस्म की अभी तक तो आई होप आपके कवर होगी होगी, अगर नहीं समझ आ रही तो दोबारा रिपीट करके वीडियो देख लें, कोई मसला नहीं है। अब हम चलते हैं अगली नेक्स्ट 3। इससे पहले कि मैं एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आप ये जान लें कि ये जो पेपरलेस ई कॉमर्स क्यों ज़रूरी है, ये टाइप्स क्यों ज़रूरी है, कंज्यूमर टू गवर्नमेंट या बिजनेस टू गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है। देखें इस टाइम पे लोग और गवर्नमेंट और दुनिया जा रही है पेपरलेस एनवायरनमेंट की तरफ, ई गवर्नमेंट की तरफ। अब ई गवर्नमेंट के जो जिसे कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या होते हैं, उसमें G2G है, यानी कि किस तरीके से गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और गवर्नमेंट टू आप समझ लें कि एम्प्लॉयज़, वो कैसे जो चीज़ें भी हैं इसके अंदर सॉफ्टवेयर्स बन रहे हैं, इसके अंदर डिफरेंट स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स दे रहे हैं, ऐप्स दे रहे हैं। सिटीजन ऐप आ गई, फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर है, उसने अपने चलान जमा करवाना है या उसने अपनी गाड़ी का टैक्स जमा करवाना है, तो अब इस्लामाबाद के अंदर देखें सिटीजन ऐप चल रही है, तो आप ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। ये सिस्टम पाकिस्तान में माना कि बहुत कम है, लेकिन दुनिया में बहुत ज़्यादा है। दुबई इस वक्त 2021 के अंदर
पहली कंट्री दुनिया में हो चुकी है जो कि कंप्लीटली पेपरलेस हो चुकी है और वो तरक्की कर रही है बहुत तेज़ी के साथ। वहाँ जॉब्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टेक्नोलॉजी है, और अगर आप लोग वो नहीं सीखते और दुबई जाने का ख्वाब देखते हैं तो ये टेक्नोलॉजी सीखे बगैर आप कैसे जा सकते हैं। यानी कि ई कॉमर्स, ये टेक्नोलॉजीज आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है और ई गवर्नमेंट यानी कि आपकी गवर्नमेंट होने जा रही है, बहुत से प्रोजेक्ट्स कर रही है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती, आप सर्विसेज कैसे देंगे? ठीक है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी था इससे पहले कि मैं आपको अगली तीन टाइप्स दिखाता। तो चलते हैं अब अगली तीन टाइप्स की तरफ जो कि B2B2C, eBay, Amazon, Daraz, Zomo। ये वो है कि जो बिजनेस का प्रोडक्ट उठा के अपने पे लगाते हैं, वो अपना एक बिजनेस बन जाता है और देन वो कंज्यूमर को बेचते हैं। दराज हो गया, अलीबाबा हो गया, ये सब के सब B2B2C, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मार्जिन आपके अच्छे बनते हैं, यहाँ पे आपको मगजमारी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती, आपको मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती, प्रोडक्ट लगाते हैं और आपका बिक जाता है, तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। फूडपांडा इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। C2A, कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। देखें, ये एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तालीम और हुनर पंजाब गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त स्टार्ट किया है, जिसके अंदर वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स को बुलाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर वो जाके उनको तालीम के साथ साथ स्किल्स भी सिखा रहे हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स और अमेजोन सेलिंग, इस किस्म की चीज़ें सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग, ब्लॉगिंग, अपवर्क, फाइवर की ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो ये जो होता है कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आपने भी ट्रेनर बनना है और कुछ सीखना है तो इस इंडस्ट्री, इस नॉलेज को सीख ले ताकि गवर्नमेंट आपको बुलाए और आपसे काम ले सकें, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैंने बताया था कि ये कुछ कुछ दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में भी अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना स्टार्ट हो गया। लेकिन अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता और आप इसमें काम नहीं करते और इससे पहले आपको नहीं पता था, तो आप कैसे देंगे सर्विसेज और कैसे कमाएंगे पैसे? तो ये समझ लें, ये सीख लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और उसके बाद आखिरी, स्टार्टअप टू बिजनेस। आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टार्टअप, जिंग, चीज़ मॉल, बाजार, बहुत से पाकिस्तान के स्टार्टअप इस वक्त इन्वेस्टमेंट रेज कर रहे हैं, डिफरेंट बिजनेस को सर्विसेज दे रहे हैं, डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको चाहिए डेटा, इनके पास है डेटा और ये एक स्टार्टअप है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, इसको सीखें। तो ये थी वो 9 टाइप्स जो कि आपको कहीं नहीं मिलनी थी, मैंने निकाली, मैंने बनाई। नहीं समझ आया, रिपीट करें, कोई मसला नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ कि कितनी टाइप्स हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस टू बिजनेस, कंज्यूमर टू कंज्यूमर, डायरेक्ट टू कंज्यूमर, उसके बाद बिजनेस टू गवर्नमेंट, C2B, कंज्यूमर टू बिजनेस, B2B2C, बिजनेस टू बिजनेस टू कंज्यूमर, एंड देन स्टार्टअप टू बिजनेस और कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये सीख लें, अगर आज आप ये सीख लेते हैं, आप मास्टर कर जाएंगे। और कहीं ना कहीं देखें, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं, जैसे मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट ढूंढ रही है इस तरह के फ्रीलांसर्स, ट्रेनर्स, टैक्स फाइलर्स जो उनको सपोर्ट कर सके, कोई पोर्टल क्रिएटर्स, पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत सारे, मेरे दोस्त उमर मुबीन ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पंजाब गवर्नमेंट के लिए, जिसके अंदर उनको HR के पोर्टल्स और बहुत सारे डिफरेंट पोर्टल्स बना के दिए और बहुत सारी कंपनीज करके दे रही हैं। अगर आपने ये नॉलेज नहीं सीखा और अगर आपको नहीं पता, तो आप कैसे कर सकते हैं? और आने वाला दौर है ई कॉमर्स से रिलेटेड, चाहे आप जो मर्जी कर लें, ई कॉमर्स की दुनिया बहुत तेज़ी के साथ ग्रो। आप देखें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पहले स्टार्टअप्स, उन्होंने पैसे बनाए, इवन कोरियर कंपनीज जिन्होंने अपने ई कॉमर्स बनाए, मार्केट प्लेस हो, बाहर की इन्वेस्टमेंट हो, जो भी हो, सबका सब ई कॉमर्स के हुआ है। तो लोकल ई कॉमर्स बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने इस वक्त बताया कि इस वक्त बूम हो रहा है फैशन रिटेल का पाकिस्तान के अंदर। आज आप शर्टें बेचना स्टार्ट कर दें अपने ब्रांड बना के, आप सोच नहीं सकते कि आप कितनी ग्रोथ ले सकते हैं। फैसलाबाद जैसी आप खुशनसीब हैं, आप खुशनसीब हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है आपके पास, वन ऑफ द टॉप लीडिंग टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ है। जो क्वालिटी आप बनाते हैं और कोई नहीं बनाता, आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट बाहर बिकती है, आप जैसी बेडशीट्स कोई नहीं बनाता, जो रेट्स आपके पास मिलते हैं दुनिया में कहीं नहीं मिलते, तो आप क्यों नहीं आज अपना PL स्टार्ट करते? तो लोकल PL अगर आपने स्टार्ट करना है, deploys.pk इस वक्त मुल्तान के अंदर भी इवेंट करवाने जा रहा है 6 नवंबर को, ज़रूर आएँ, सीखें कैसे हो सकता है। और इसकी क्लासेस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ अच्छी गुड न्यूज़ भी हम आपके लिए लेके आ सकते हैं, आई होप आपके लिए लेके आएंगे। ये सीखें, लोकल ई कॉमर्स का बहुत ज़्यादा फ्यूचर। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसमें सबसे पहला पार्ट था क्या? जी हाँ, ई कॉमर्स की हिस्ट्री, दुनिया में कैसे स्टार्ट हुई, आई होप आपको मज़ा आया होगा। इसके बाद आपने देखा कि साउथ एशिया के अंदर कैसे होती है, फिर आपने देखा पाकिस्तान के अंदर कैसे हुई, और उसके बाद मैंने कोशिश की आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स बताऊं। लंबी होगी वीडियो, लेकिन आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना, ये फ़ायदा इसलिए होना है कि आपकी, मैं इस वक्त बना रहा हूँ बेस, जब क्योंकि घर बनाते हैं ना तो उसकी बेस बहुत स्ट्रांग होती है, बेस स्ट्रांग होना तो फिर बिल्डिंग बहुत स्ट्रांग बनती है। जो लेक्चर इस वक्त मैं आपको दे रहा हूँ ना, ये आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट है बेस बनाने के लिए। अगर आज आप ये चीज़ें सीखते गए, आपकी लोकल ई कॉमर्स की बेस इतनी ज़बरदस्त बनेगी कि आपकी बिल्डिंग को खड़े होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो ये सब चीज़ें सीखें, दिल से सीखें, नहीं समझ आता तो पूछें। हाँ, कमेंट्स के अंदर सवाल करते रहें, मैं बीच में भूल गया, अगर आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, कमेंट करते रहें कमेंट्स में, मैं आप लोगों को एक एक का जवाब दूंगा। और जैसा मैंने वादा किया था आपसे पिछली वीडियो में कि मैंने, अच्छा
वो सब लोग जो कि अब नहीं जानना चाहते कि पिछले लेक्चर में क्या सवाल हुए और उनके जवाब क्या है, वैसे सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो का एस्पेक्ट ये है। बट अगर आप लोग नहीं जानना चाहते तो आप जा सकते हैं, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या सवाल हुए और उनके जवाब क्या हैं, एक्सपर्ट ओपिनियंस क्या आने वाली हैं, तो फिर आप वेट करें और इस वीडियो के साथ रहें और देखें आगे क्या सवाल है। मैं अभी वीडियो खोलूंगा अपने चैनल की जाके और एक एक सवाल को पढ़ूंगा उसके अंदर और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दूँ। तो फिर मैं खोलने लगा हूँ इसको, आप मेरे साथ रहें, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अगर आपने अभी भी अगर आपको ई कॉमर्स की आउटलाइन का नहीं बता, देखें ये तो अभी लेक्चर टू हो गया ना, इसमें मैंने ई कॉमर्स के बारे में बता दिया, इसकी हिस्ट्री बता दी, पाकिस्तान की हिस्ट्री बता दी और टाइप्स बता दिए, लेकिन अगर आपने जानना है कि ई कॉमर्स क्या है, उसकी आउटलाइन क्या है और कैसे एक लोकल ई कॉमर्स एक बंदा स्टार्ट कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, यानी कि आगे आने वाले लेक्चर्स मेरे किस किस मैंने वो क्या बताया था कि एक एक सेक्शन को मैं डीपली बताऊंगा, तो अभी तो मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन यानी समझे कि डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स से ये लेक्चर निकाला है। तो आप सोचें कि आगे आने वाले एक एक पार्ट में क्या क्या निकलने वाला है, क्या क्या बनेगा और कितना मजा आने वाला है। तो इन वीडियोस को जरूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। मैं अभी लिख रहा हूं लोकल ई कॉमर्स की अपनी वीडियो, सबसे पहले मैं सर्च करता हूँ यूट्यूब पे जाके और आप मेरी वीडियो को उसमें देख सकते हैं लोकल ई कॉमर्स की वीडियो में। और मैं कोशिश करूँगा कि आपने जितने भी मुझसे सवाल किए हैं, जितने भी स्पेशली, मैं उनके जवाब आपको दे सकूँ। मेरी बाकी सारी वीडियोस देखें, अमेज़ॉन पे मैंने एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया कि 13,000 अकाउंट्स जो हमारे ब्लॉक हुए हैं वो क्यों हुए हैं, इसके बारे में मैंने बताया है। तो अब मैं आप लोगों को जो है ऐड चल गया, तो अब मैं आपको देखूंगा कि इस वीडियो के अंदर आप लोगों ने क्या क्या कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स के एक एक का जवाब दूं। बहुत अच्छा, सबसे पहले तो अपॉलोजी, बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वाकई बहुत ज़्यादा लेट हो गया। लोग काफ़ी पूछते रहे सर मुझे जवाब कब आएगा, ये होगा, देखिए वो उसकी उसका एक मकसद ये था कि इसको डिले मैंने इसलिए किया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं सवाल कर सकें। अब देखें इसका फ़ायदा ये हो गया कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने सवाल कर लिए, अराउंड को 150 इस वक्त क्वेश्चंस हैं मेरे पास। मैं कोशिश करूंगा कि एक एक करके इसका जवाब दूं। तो सबसे पहला जो सवाल है वो है, मैं नाम भी लूंगा उनका, ठीक है। तो अक्सा हनीफ ने सवाल किया, इफ़ वी सोर्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट एंड सेल इट एज अ वाइट प्राइवेट लेबल, अदर्स आल्सो हैव एक्सेस टू दोस होलसेल मार्केट्स एंड माइट सेल द सेम आइटम्स एज अ बेड शीट, सो हाउ कैन वी टैकल दिस प्रॉब्लम एंड हाउ कैन वी हैव अ यूनिक आइटम्स। देखें एक बात अंडरस्टैंड करें, दराज पे इस वक्त दुनिया की सब प्रोडक्ट्स लगी, पाकिस्तान का हर प्रोडक्ट लगा हुआ है, लेकिन इंस्टाग्राम पे लिपस्टिक लगा के बेचते, वो लिपस्टिक अलीबाबा में भी बिक रही है। देखें जो एक फार्मूला है, जो दिखता है वो बिकता है, वेरी सिंपल। बेडशीट लगी हुई है, पाकिस्तान में है, शालमी भी है, होलसेल में है, सब कर रहे हैं, लेकिन दिखाया आपने ना मुझे, जब आपने मुझे दिखाया आपने मेरी परचेज ले ली। तो वो बेडशीट, और मज़े की बात पता है क्या, बेडशीट और कुछ प्रोडक्ट्स इतने यूनिक और इतने ज़्यादा जो है ना इंपॉर्टेंट होते हैं कि वो प्रोडक्ट ईजिली अवेलेबल हो ही नहीं सकते, वो डिज़ाइन एक ही दफ़ा बनते दोबारा बनते ही नहीं है। तो ये यूनिकनेस होती है। देखें याद रखें, जो दिखता है वो बिकता है, इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है। आप मुझे पहले ऐड दिखा दें, आप ख़रीद लेंगी मेरे से, मैं उसको ख़रीद लूँगा, आपने कस्टमर ले लिया, कोई और दिखाएगा तो वो ले जाएगा। इट्स जस्ट हाउ वेल यू कैन सेल, हाउ वेल यू कैन प्रेजेंट उसकी वीडियो, उसका फोटोशूट एंड देन सोल्ड इट। हर बंदा उस एंगल से नहीं सोच सकता, क्रिएटिवनेस के नहीं सोच सकता जिस तरह आप सोच सकते हैं। इसलिए कहते हैं अगर एक पढ़ा लिखा इंसान एक रेडी भी लगा ले तो वो आम अनपढ़ रेडी लगाने वाले से बहुत आगे होता है। एग्जाम्पल दूंगा मैं MBA चाय वाला, अगर आपको एग्जाम्पल हो कभी जाके आप उसकी लाहौर के अंदर चाय पिए, बरकत मार्केट के अंदर लाहौर में अच्छी चाय नहीं मिलती, लेकिन MBA चाय वाला ने इतनी ज़बरदस्त चाय बनाई है कि आप सोच सकते, आप उसका कभी कावा पिए, इतने ज़बरदस्त तरीके से वो शहद और गुड़ को प्रेजेंट करता है कि वहाँ से उठने का दिल नहीं करता। तो ये फ़र्क होता है। तो पहला सवाल का जवाब हो गया। सेकेंड है हमारे पास, मोहम्मद आसिफ ने पूछा है कि प्रोडक्ट हंटिंग एंड नीच सिलेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ एन ई कॉमर्स स्टोर, ड्यू टू इकोनॉमिकल सिचुएशन पाकिस्तान द बाइंग पावर ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान वाज कॉम्प्रोमाइज, सो कीप इन माइंड टू डिजाइन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, थैंक्स अलॉट फॉर डिटेल वीडियो इंट्रोडक्शन ऑफ ई कॉमर्स। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूँ कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन यहाँ पे अभी भी बहुत पैसा है। क्या आपने देखा है ऑडी ई-ट्रॉन्स कितनी ज़्यादा फिर रही है पाकिस्तान के अंदर? क्या आपने देखा है कि आज वो होंडा सिटी 70 जो कि अब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए का मिल रहा है, किसी ज़माने 50,000 का बिकता, लेकिन बिकना बंद नहीं हुआ और लोग प्राइसेस बढ़ा रहे हैं, आज भी गाड़ियाँ ऑन पे बिक रही हैं भाई मेरे,
पाकिस्तान के पास बहुत पैसा है। आपको पता है कि एक अंदाजे के मुताबिक 9 ट्रिलियन 9 खरब रुपए लोगों के घर में पड़े हुए हैं। क्यों पाकिस्तान में कैश ऑन डिलीवरी सबसे ज़्यादा है? बिकॉज पैसा घर में पड़ा हुआ है, बैंक पे नहीं पड़ा हुआ। तो पैसा बहुत है भाई, सिर्फ आपने हंट करना है, लगाना है, दिखाना है, और जो दिखता है वो बिकता है, कि अमल को वो करना है। थर्ड क्वेश्चन है जी, गुलाम दस्तगीर, अ वेरी डिटेल विद फुल नॉलेज लेक्चर बाय हैदर अहमद काजी, हेड्स ऑफ द टीम डिप्लॉयर्स। थैंक यू सो मच गुलाम दस्तगीर, आप लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, इसलिए अगर जो देख रहे हैं आप लोग भी कमेंट करें, क्योंकि आप लोगों के ये कमेंट ही होते हैं जो इतना हम अब इस वक्त रात के 1:30 बज रहा है। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, इसको एडिटिंग करने में भी बहुत टाइम लगेगा, मैं सिर्फ इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को नॉलेज मिल सके, लेकिन ये जो इस किस्म के कमेंट्स होते हैं ना, ये दिल जीत लेते हैं। सो कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ग्रेट इनिशिएटिव, अच्छा इमरान जुल्फिकार कह रहे हैं, ग्रेट इनिशिएटिव इन दीज हार्ड टाइम्स ऑफ द नेशन, रियली अप्रिशिएटेड, थैंक यू सो मच, बहुत दिल से आपका थैंक यू। अच्छा इसके बाद है स्पिरिट्स कैंडल्स के नाम से, यू हैव एक्सप्लेन्ड सो ब्यूटीफुली, आई एम गोइंग टू लॉन्च माय ओन ई कॉमर्स वेबसाइट रिलेटेड टू हैंडमेड कैंडल्स एंड होम डेकोर प्रोडक्ट्स। बेसिकली आई मेक प्रोडक्ट्स बाय माय ओन, द प्रोडक्ट्स विल बी हैंडमेड ओनली विच इंक्लूड कैंडल्स, wooden pieces and much more, which will slowly introduce with me. I am selling the products from last 12 to 15 years through Facebook and then Instagram. For this video have motivated me that I am on the right track and I should now expand it. Bahut zabardast message, bahut zabardast inki thought hai, in ye apna brand chala rahe hain bahut zabardast tarike se. Main aapko bahut zyada appreciate karunga, kyunki bahut se kam log aise hain jo ke waqai is kisam ka kaam karte hain. Dekhiye duniya bhar ke andar art ki bahut zyada wo hoti hai, is waqt sabse zyada bikne wali jo cheez hai na wo है क्या, NFT tokens एग्जैक्टली वही क्रिएटिविटी, वो आर्ट्स है जो आप लोग करें। आप इस मेहनत को मत छोड़िएगा और इसको थोड़ा सा क्रिएटिव साइड पे भी लेके इनकी अच्छी अच्छी फोटोग्राफी करें। ट्रस्ट मी, आपको तो वेबसाइट बनाने की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम के पेजेस पे ही पोस्टिंग करके आप बहुत अच्छी सेल जनरेट कर सकते हैं। तो गुड लक स्पिरिट्स कैंडल्स। उसके बाद मदिया हनीफ, अमेजिंग सेशन, थैंक यू सो मच। इथान अदनान, एज यू नो मुल्क के हालात की वजह से एवरीवन इज वरीड अबाउट expenses and utility bills, but being a housewife I want to support my family and kids and start by starting e-commerce business with a small investment, please guide us thoroughly. देखिए इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे बहुत ज़्यादा फ्री लेक्चर्स हो रहे हैं, आपने उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके अंदर हर एक के अंदर उमर मुबीन फेसबुक मार्केटिंग शॉपिफाई कैसे बनाना है ये सब चीज़ें सिखा रहे हैं। जस्ट बी पार्ट ऑफ इट, जस्ट बी पार्ट ऑफ दिस जर्नी, और इंशाल्लाह हमारे पास जैसे भी कोई भी इस किस्म की चीज़ें आती हैं, सर्विसेज आती हैं जिसमें हम आपको कहीं ना कहीं लूप इन कर सकते हैं, वी विल डेफिनेटली contact you, but just be the part of this this whole journey. Anatomy stuff by Dr. Farhat Amir, best lecture ever, thank you very much, thank you so much. ये comments बहुत ज़्यादा हिम्मत देते हैं। उसके बाद डीजी मार्क, अल्लाह पाक आपको जजाए खैर अता करे, आमीन। I really want to learn more, I already just started local e-commerce brand, will definitely learn and apply your set of guidelines, thank you so much, inshallah God will help you और आपको बहुत बहुत तरक्की दे। RDX Chiller, amazing session, thank you so much. मुसद्दिक मुस्तफ़ा, waiting for the in-depth knowledge, inshallah ताला, this is the second aspect of that और ये आगे भी इंशाल्लाह चलता रहेगा। उसके बाद मंजूर अहमद, अमेजोन, अस्सलाम वालेकुम, प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ वी कैन स्टार्ट अवर ओन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन सम स्पेसिफिक नीच। अच्छा इसके लिए ना आपको इस या तो हमारे किसी सेशन के अंदर आ जाएं, या हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसको अटेंड करें मंजूर साहब, और अगर ये नहीं कर सकते तो बस प्लीज़ वेट करें, मेरी कुछ आने वाली चंद और वीडियोस होंगी उसमें आपको बहुत चीज़ें एक्सप्लेन हो जाएंगी। जूनी मेहंदी, डिज़ाइन एंड पेपर क्राफ्ट, वेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो एंड आई थिंक आई गॉट माई इनर ड्राइव, थैंक यू सो मच। अगर वाकई किसी के अंदर भी इनर ड्राइव आ गई, और इनर ड्राइव क्या है अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर मेरी वीडियो को आपने ज़रूर देखना है, क्योंकि इन्होंने अगर वो इनर ड्राइव वाला कैच कर लिया ना तो इनको तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता, थैंक यू सो मच। उर्वा एक्स, 30 मिनट की वीडियो एंड सो इंगेजिंग, माशाल्लाह थैंक यू सो मच। आप सोच नहीं सकती कि कितने दिन इसको सिर्फ एडिटिंग में लगे हैं, 20-20 घंटे से सिर्फ रेंडर होने में लगाए हैं, और जो इस वक्त मैं वीडियो बना रहा हूँ ये भी पता नहीं कितना टाइम लेगी, बट थैंक यू सो मच, आपके इस कमेंट ने हिम्मत दे दी, और इंशाल्लाह अब चाहे और 20 घंटे भी लग जाएँ हमारी हिम्मत नहीं टूटेगी। फराज मुजीब, कांट वेट टू सी द होल कोर्स एंड किक स्टार्ट माई बिजनेस, थैंक यू सो मच, दिस इज द सेकंड लेक्चर, इंशाल्लाह आ गया और बहुत सारे आने वाले हैं। नासिर इकबाल, व्हाट आर द बेस्ट हैसल फ्री एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन्वेंटरी मैनेजमेंट मेथड ऑप्शन अवेलेबल इन पाकिस्तान टू रन सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस, बहुत सारे हैं जिनको रिटेल इज वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन, 80% मार्केट शेयर ले चुका है, क्या है जानना चाहते हैं तो आगे आने वाली वीडियोज, या हमारी जिनको रिटेल के साथ 2 पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो चुकी हैं वो जरूर अटेंड करें, आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। सलमान फरहाद, वेरी इन्फॉर्मेटिव, थैंक यू सो मच। नासिर इकबाल, व्हाट आर द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू सेट अप ऑनलाइन स्टोर लाइक शॉपिफाई, वूकॉमर्स, वर्डप्रेस, द्राज, एनी अदर कीपिंग इन व्यू बजट फ्रेंडली ऑप्शन, जस्ट 5000 सिर्फ फ़र्क है ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड वेबसाइट पे, अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं शॉपिफाई के ऊपर 5000 रुपये महीने का फ़र्क है सिर्फ, और कुछ भी फ़र्क नहीं है।
गेमिंग प्लैनेट, सर देर आर मैनी मार्बल फैक्ट्रीज नियर माई हाउस, हाउ कैन आई टेक बेनिफिट्स फ्रॉम देम इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स? भाई जान जन्नत पे बैठे हो, कसम से आप जाके सिर्फ उनकी तस्वीरें लो, उनके पास ऑलरेडी तस्वीरें होती हैं और उनको एक वेबसाइट शॉप है कि बना के या इंस्टाग्राम पेज पे अपलोड करना स्टार्ट कर दो और वो कैटलॉग अपने दोस्तों में बांटना स्टार्ट कर दो, व्हाट्सएप पे एक कैटलॉग बना लो, दोस्तों के साथ बांटना स्टार्ट कर दो। ट्रस्ट मी, लोग सबसे ज़्यादा गूगल पे सर्च करते हैं और अगर आपकी रैंकिंग में कैसे लेके आना वो उसका भी इंशाल्लाह लेक्चर होगा। तो अगर आप ये कर लेते हैं सोचें आपकी कि कितनी ज़्यादा सेल हो सकती है आपकी। उसके बाद इकरा हैदर, ग्रेट कांट वेट, थैंक यू सो मच। उमर बिल जी जी जी, उमर मुबीन, थैंक्स सर फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू सो मच। थान अदनान, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क इन द वीडियो, आई एम हाउस वाइफ, आई एम टू स्टार्ट, ये अगेन वही उनका कमेंट है, मैंने उनका जवाब ऑलरेडी दे दिया है। राव आकिब राजपूत, हाउ टू चूज द बेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम फैशन और मोस्ट सेलिंग कैटेगरीज? देखिए इसके अंदर मैंने जो पूरी वीडियो उसकी पिछली वाली बनाई है उसके अंदर बताया हुआ कि डाटा, अवेलेबल डाटा को इस्तेमाल करें, वो डाटा आपको बता देगा क्या किस वक्त कितना किस तरह से बिकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, एक डाटा मेरे पास है वो कहता है कि पोलो शर्ट 2 अरब रुपये की एक ब्रांड की बिकती है एक साल के अंदर, तो मैंने जवाब आपको दे दिया है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद हामिद अशरफ, व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान? एक्सट्रीमली ट्रमेंडस स्कोप, बट प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ से हम प्रोडक्ट उठाएं और लगाएं, लेकिन हम इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं और आप आगे आने वाले में कुछ लेक्चर्स में आपको इसके बारे में ज़रूर बताएंगे। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू अस, सोहेल अहमद, थैंक यू सो मच सोहेल। फिर नासिर इकबाल, हाउ कैन वी फाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स फॉर अवर ऑनलाइन स्टोर और इवन सेल ऑन द राज? हाउ कैन वी डू अ मार्केट एज वेल एज कंप्लीट एनालिसिस बिफोर स्टार्टिंग ऑनलाइन बिजनेस? डाटा, आंसर इज डाटा। डाटा आप देखें, डाटा जहां से भी आपको मिलता है आप उसको निकालें, मैंने एक डाटा आपसे अभी शेयर किया है उसको यूटिलाइज करें, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। अगर तब भी नहीं होता तो हमने सोर्सिंग के ऊपर पूरी एक क्लास, एक लेक्चर, एक कोर्स निकालना है, आप उसको देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ज़ोहेर अब्बास, इंशाल्लाह आई प्रॉमिस दैट आई विल टेक इनर ड्राइव इनटू माय ओन सेल्फ, थैंक यू सो मच। दोज हु आर टेकिंग द राइट एस्पेक्ट आउट ऑफ द इनर ड्राइव एस्पेक्ट, आप लोग इंशाल्लाह बहुत तरक्की करने वाले हैं। एक इनर ड्राइव मुझे मिली थी और उसने मेरी तरक्की के रास्ते खोल दिए, इंशाल्लाह आपको भी तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता। नेक्स्ट है राव आकेब राजपूत, वी डोंट हैव द बजट टू बाय एन इन्वेंट्री, हाउ टू स्टार्ट ड्रॉप शिपिंग इन पाकिस्तान? आपने सिर्फ एक वेंडर नहीं तो अपने चाचे मामा ताया कोई ना कोई जानने वाला ऐसा जरूर होगा, उसके प्रोडक्ट उसकी शॉप पे जाके खींचें, लगाएं, बेचें, ऑर्डर आएँ, उसके बाद वो खुद देगा। देखें शुरू में सिर्फ आपको थोड़ी सी लेनी होती है इन्वेंट्री, अगर नहीं भी है तो कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको देने के लिए तैयार है, 10 लोग आपको मना करेंगे, 11वां हाँ कर देगा, सिर्फ आपने ढूंढना है। उसके बाद बाबर हुसैन, प्लीज़ वन सेशन ऑन फेसबुक मैनेजर रोल ऑफ डायल जीरो इन पाकिस्तान, इसके ऊपर पूरा लेक्चर था हमारा एक उमर मुबीन ने अभी वीडियोस पे लॉन्च की है तारिक की डायल जीरो के ऊपर, उसने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है, आप उसको जरूर देख लीजिएगा, नहीं तो हमारे किसी सेशन पे आ जाएं, आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मेटा एंड फेसबुक डायल जीरो इज ऑफिशियल पार्टनर ऑफ डिप्लॉयर्स इन ऑल इवेंट्स, नाउ मेनी डेज दिस कोर्स विल बी कंप्लीटेड, ये चलता रहेगा। ये नॉलेज ऐसा है कि ये इतना बड़ा समंदर है कि मैं एकदम से उंडेल दूँ तब भी आप इसमें डूब जाएंगे और अगर मैं देर लगाऊंगा तब आप प्यास से मर जाएंगे, तो ये ऐसे इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे कि आपको आप प्यास से भी ना मरे और आप इसमें डूब भी ना जाए। गेमिंग प्लेटफॉर्म सुपर, डीजी मार क्लासेस डेज टाइमिंग्स हर रोज़ हो रही हैं, व्हाट्सएप के कुछ ग्रुप हैं ज्वाइन कर लें और इंशाल्लाह आपको उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। उसामा आरिफ, कॉस्ट ऑफ फिजिकल क्लासेस, फिजिकल क्लासेस अभी हमने स्टार्ट नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट करेंगे, आपको बता देंगे, फिलहाल ये सब कुछ फ्री है। मुसद्दिक मुस्तफ़ा, वाओ अमेजिंग, थैंक यू सो मच। जीरो वाजिद, वेरी इन्फॉर्मेशन सेशन, थैंक यू सो मच। जीरो वाजिद सर, हाउ टू स्टार्ट कॉमर्स विद अ गवर्नमेंट जॉब? आई हैव मोटिवेशन, आई हैड बीन फिजिकली सेलिंग वॉट इन कॉस्मेटिक्स इन पास। बहुत ज़बरदस्त, आपने रुकना नहीं है, प्लीज़ मत रुकें, प्लीज़ मत रुकें। ई कॉमर्स की ब्यूटी ये है कि आप किसी भी जॉब के साथ ये कर सकते हैं। मैं खुद गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, मैंने जब इसकी तरफ आया मैंने काम सीखा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट की जॉब छोड़ दी, तो आप भी तब छोड़ें जब कुछ बन जाए, लेकिन इसको रोकना नहीं है। कॉस्मेटिक्स पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी सोच है। उमर मुबीन ने 11 दिन में 7 लाख रुपये की सेल की थी। मुआविया मजब, हाउ टू फाइंड यूनिक एंड स्केलेबल प्रोडक्ट्स? देखें बहुत आसान है, डेटा के ऊपर जाएं। सबसे पहले मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि कौन से प्रोडक्ट्स की तरफ आपने जाना है, कौन सी कैटेगरीज हैं उसको देखें, उसके बाद उस कैटेगरी के अंदर कौन से टॉप प्रोडक्ट हैं, डेटा अवेलेबल है, सब डेटा अवेलेबल है। नहीं भी समझ आ रही कोई बात नहीं, हम पूरा इसके ऊपर सेशन कर देंगे। जारो वजेद सर, हाउ टू मेक अकाउंट विद एनी कुरियर कंपनी? इट्स वेरी इजी, ट्रैक्स इज ओवर ऑफिशियल पार्टनर। अगर आप हमारे किसी भी इवेंट पे आते हैं, अगर नहीं भी आते हैं तो हम इसका एक सेशन रखेंगे इंशाल्लाह ताला और आप लोगों को एक पॉडकास्ट या एक सेशन के अंदर बताएंगे कि आपने अकाउंट कितना आराम से कितना ईजिली खोलता था। वट इज़ प्रोक्योरमेंट? प्रोक्योरमेंट का मतलब ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट को खरीदा और अपने पास रख लिया, किसी भी चीज़ को परचेज करना
इस प्रोक्योरमेंट। उसामा आरिफ सर जी तुसी ग्रेट हो, उसामा आरिफ साहब आप ग्रेट हैं, थैंक यू सो मच। सुफियान अहमद सर प्रोडक्ट की फाइनल प्राइस कैसे बनाई जाए, फोटोशूट एड स्पेंड प्रोडक्ट कॉस्ट ट्रैवलिंग एंड फूड, इसके ऊपर पूरा लेक्चर होगा इंशाल्लाह ताला, परेशान ना हो। प्रोडक्ट कॉस्टिंग एक बहुत बड़ी PNL है, इसके ऊपर थोड़ा सा काम करने वाली है कि आपको डिटेल में समझाऊंगा, आपको ऐसे समझ नहीं आएगी। हातिम अब्बास सर कोई कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है, जी हाँ ये कंप्लीट कोर्स है, आपको लेना पड़ेगा, आपको वीडियो देखनी पड़ेंगी तब समझ आएगा। समंदर है एकदम से फेंक दिया डूब जाओगे, कम दिया तो प्यास से मर जाओगे। राव आकिब राजपूत टॉप सेलिंग कैटेगरी कौन सी है और एक प्रोडक्ट के साथ खेलना चाहिए या ज़्यादा, जितनी ज़्यादा वैरायटी बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, लेकिन इन्वेंट्री का रूल है 80-20, पिछली वीडियो देखें उसके अंदर मैंने प्रोडक्ट एक्सप्लेन किया 80-20 रूल ये है, आप इस 80-20 रूल को ज़रूर फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं होगा और ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं खरीदनी पड़ेगी, लेकिन वैरायटी आपको ज़रूर बढ़ानी है। विच कुरियर इज़ बेस्ट नाउ, ट्रैक्स बहुत अच्छा चल रहा है, पोस्ट एक्स बहुत अच्छा चल रहा है। उमर अच्छा ये है मोहम्मद अबरार का, उमर जमान प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए हिट एंड ट्रायल रोल लगाना है सर, हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, ऑलवेज 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 गो फॉर इट। मदीहा हनीफ नेक्स्ट लेक्चर कब है, रिकॉर्ड हो रहा है और लाइव आएगा इंशाल्लाह, ये मैं बहुत जल्द आपको दिखाऊंगा, आपने सिर्फ नोटिफाई बटन पे क्लिक करना है। फहद रफ़ी ज़बरदस्त सर मज़ा आ गया, आपने तो महफिल लूट ली, थैंक यू सो मच फहद। हमायों केमिस्ट व्हाट्स अबाउट मेडिसिन, मेडिसिन का भी बहुत ज़्यादा तरक्की है अभी रिसेंटली, एक मेडिसिन के दिवागो का अगर आपने नाम सुना हो बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है, और दवागो के अलावा dawai.pk भी उसके अंदर, उसने तो फॉरन इन्वेस्टमेंट भी रेज़ की है। अमार रशीद फिजिकल क्लासेज डेट इनशाला वेरी सून। इल्मुल तरतील अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकात। उसामा आरिफ सर ख़ुद को कोई कई बार यकीन करवाना पड़ता है कि कोई इतना कुछ बगैर किसी फीस और कई गर्ज के बगैर कर सकता है, इंशाल्लाह अल्लाह आपको इसका अजर ज़रूर देगा, थैंक यू सो मच। बड़ा ब्यूटीफुल मैसेज यार, बड़ा ब्यूटीफुल दुआ, थैंक यू सो मच दिल से। फिर चलते हैं हम आगे, अहमद रफाकर नेक्स्ट लेक्चर कब से लाइव होंगे सर, इंशाल्लाह ये लेक्चर अभी जो लाइव आने वाला है ये लाइव आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे इंशाल्लाह ये लाइव चल रहा है, कोई भी क्वेश्चन है कमेंट में करें। इसी तरीके से मैं सबके कमेंट्स पढ़ूंगा भाई, जी हाँ नेक्स्ट वीडियो में पढ़ूंगा, हर एक को जवाब दूंगा एक एक का नाम लेके, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। फिर चलते हैं उमर मुबीन, थैंक यू सो मच उमर मुबीन फॉर योर हार्ट्स। अब्दुलरहमान थैंक यू सो 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 मच, थैंक यू सो मच अब्दुलरहमान। सैयद मौज व्लॉग सर इंस्टा पे प्रमोशन जब लगाते हैं तो विद इन सिटी करता है या कंट्री, एंड कुरियर इज कॉटिंग टू मच, उसका क्या है, बहुत सारे कुरियर हैं, कुरियर शिफ्ट कर लो, हर एक आजकल अपने रेड ओशन में लड़ रहा है एक दूसरे से, कॉस्ट कम दे रहा है। अमार राशिद सर फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, इंशाल्लाह वेरी सून। अब्दुल वासी वेटिंग एक्साइटेड, थैंक यू सो मच। मुसद्दिक मुस्तफा हाउ टू प्रिक्योर, अगेन ये सोर्सिंग वाला ही है, इसके ऊपर लेक्चर होगा, नहीं तो अवेलेबल डाटा पिछली वीडियो देखें एक दफा फिर, उसके अंदर आपने देखना है लुक एट द अवेलेबल डाटा और कौन सी कैटेगरी टॉप पे है उसके ऊपर। अब्दुल वासी सर ई कॉमर्स में शिपिंग एंड पैकेज कैसे करनी है, इसके अंदर एक फ्लायर होता है, पाकिस्तान में भी खरीद सकते हैं, दराज से भी आप खरीद सकते हैं, फ्लायर आप लाएं उसके अंदर पैक करें एंड देन शिप कर दें, कोई इशू नहीं है। आकाश जट सर ऑनलाइन कोर्सेज आपके कहने से करें, एनी लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें हमारे। हाउ टू बेस्ट सोर्सिंग फॉर PL, बेस्ट सोर्सिंग PL के लिए पूरा कोर्स, अगेन वही सवाल। उसामा आरिफ वैसे कि आके फारूक थे आकाश जट के बाद, उसके बाद उसामा आरिफ हैं सर जी, टी शर्ट 500 की पड़ेगी तो 1000 की सेल करेंगे तो प्रॉफिट कैसे मिलेगा, प्लीज़ सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इसके अंदर पूरी कॉस्टिंग होगी वो मैं आपको इंशाल्लाह बताऊंगा, 500 रुपये की चीज़ है, 200 रुपये की उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी, यानी कि आप फेसबुक पे ऐड लगाएंगे उसकी कॉस्ट 700 रुपये, 150 रुपये की आपकी शिपमेंट होगी एंड देन 150 रुपये आपके बिका। अब आपने क्या करना है, कितनी बेचनी है तो आपके पास प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा, इसकी पूरी कॉस्टिंग की क्लास होगी, ठीक है। उसामा राव आके राजपूत, राव साहब आई नीड लोकल ई कॉमर्स लेक्चर प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट का दूसरा लेक्चर है उसको ज्वाइन कर लें सर। पाकिस्तान टॉप 10 अबाउट सर, पाकिस्तान बेस्ट कुरियर COD ट्रैक्स एंड पोस्टेक्स। उमर मुबीन वेटिंग सर, ओके सर। अब्दुलरहमान बैकग्राउंड साउंड इज़ वेरी डिस्ट्रैक्टिव अनॉइंग, ऑल्सो ग्रेट वीडियो, कीप इट अप द गुड वर्क, ठीक है बिल्कुल अब्दुलरहमान, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बैकग्राउंड साउंड नहीं आएगा। हमजा आजम सर ये कंप्लीट कोर्स कहाँ से मिलेगा, प्लीज़ ये लाइव आता है, अभी भी लाइव जा रहा है, लाइव ही आएगा इंशाल्लाह। आतिब भट्ट सर आपके पर्सनल ई कॉमर्स बिजनेस का लिंक मिल सकता है, बेस्ट हेड ऑफ ई कॉमर्स इन पाकिस्तान, लिखें लिंक मिल जाएगा। जकी हैदर वेटिंग सर जी, बिल्कुल थैंक यू। मुसद्दिक मुस्तफ़ा जेनेरिक ब्रांडेड, आई थिंक ब्रांडेड। उम्मे आयशा टेक न्यू वीडियोस किधर हैं, मुझे सीखना है लोकल ई कॉमर्स, ये सेकंड आ गई वीडियो, इंशाल्लाह आगे वीडियो आती रहेंगी। किरण कोमल डाटा केबल, अच्छा ये वो कुछ क्वेश्चन है जो मैंने किए थे, बिल्कुल ठीक है आप लोगों का जवाब, लेकिन कितने की थी आपको पता है, नहीं पता तो वापस जाके दूसरी वीडियो देखें। लोग कह रहे हैं 150-200 की डाटा केबल मिलती है, मेरी वीडियो देखें और देखें कि कितने की मिलती है और कितना मार्जिन आप रख सकते हैं। राव आकिब राजपूत सर हाउ टू चूज़ द बेस्ट नीश, डेटा अवेलेबल डेटा। उम्मे आयशा
किस क्या ऐसा मुमकिन है कि हम किसी ब्रांड की रीसेलिंग करें, हमारे पास फिजिकल चीज़ मौजूद ना हो, ऑर्डर लें और हमें कमीशन में? बिल्कुल, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं और एफिलिएट करते हैं मल्टीफॉर्म के अंदर। अगर आप एज एन एफिलिएट आ जाती हैं तो आपको हर सेल पे कमीशन मिलेगा। हबीब नबी सर, शॉपिफाई से पाकिस्तान में ख़रीदारी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है भाईजान, बिल्कुल हो सकती है। टी जी हैकर वाई टी, पेशावर में भी फिजिकल क्लासेस करें? इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। उमायशा, ऐसे होल सेलर जिनकी प्रोडक्ट हम सेल करें और वहाँ हमें कमीशन दे? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी बता दिया। आकाश जट सर, फिजिकल क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है? इंशाल्लाह वेरी सून। अमार राशिद, स्टार्ट फ्रॉम 10, थैंक यू। उसामा आरिफ सर, मैं सियालकोट से तमाम टी शर्ट ट्राउजर वगैरह बनवा सकते हूँ? फैब्रिक वाइबर के मैं ये तमाम कर रहा हूँ सियालकोट स्पोर्ट। वेरी गुड, आपको सिर्फ अभी अब इतना एक प्राइवेट लेवल बनाना है और पाकिस्तान के अंदर लॉन्च करना है, ठीक है। मोहम्मद वकास गैस, मोहम्मद सादिक एंड्रॉयड टाइप सी, 250 250 250 250। उम्मे आयशा का अगेन क्वेश्चन, प्लीज़ ऑनलाइन होलसेल भी बताएं बिकॉज फीमेल लाहौर नहीं जा सकती, अगर ऐसे मुमकिन है तो प्लीज़ बताएं। बहुत जल्द इंशाल्लाह हम अपना एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे जहां से जाके आप प्रोडक्ट्स खरीद सकती हैं होलसेल में। साद अली साद, अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी इस्लामाबाद में ई कॉमर्स की कोई फिजिकल क्लास है जिनमें बिगिनर्स के लिए कंप्लीट कोर्स की सहूलत है या कोई ऑनलाइन क्लास है? ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारी हो रही हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ एन ऑनलाइन क्लास। उमे आयशा, मैंने लिंक्डइन पर आपको कॉन्टैक्ट किया है, प्लीज़ अप्रूव। ओके जी, कर दिया। हैंड फ्री 150 217 रुपये की, डेटा केबल एंड्रॉयड। सो मदनी पॉप सीलिंग, मुसद्दिक मुस्तफ़ा, सुफियान, इन सब डेटा केबल की प्राइस बता रहे हैं। समरान गफ्फार भी, मोहम्मद वकास भी। जोनी मेहंदी, डिज़ाइन एंड पेपर क्राफ्ट, अस्सलाम वालेकुम सर, आप मुल्तान में सेमिनार कब करवा रहे हैं? 6 नवंबर को इंशाल्लाह मुल्तान फ्लैटीज होटल के अंदर हम आ रहे हैं, ज़रूर आइएगा। उसामा आरिफ, 100 150 एंड्रॉयड, बिल्कुल। IDM 70,000 चार्ज करते हैं। मोहम्मद वकास, एग्जैक्टली 70,000, और आपको ये लेक्चर फ्री में मिल रहा है और इंशाल्लाह आने वाले भी फ्री में मिलेंगे, बहुत सारा नॉलेज है, टेंशन ना लें। साजिद तरार, थम्स अप, थैंक यू। पटवारी शेर, मुझे चाहिए केबल एंड हैंड्स फ्री, बिल्कुल मिल जाएगी। अब्दुल बासिर, 200 250 300 200 200। अच्छा, आसिफ जोया, मोहम्मद अबरार, समरा गफ्फार, आसिफ जोया। एल्बर्ट जी, सर मैं इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग कर रहा था बट पेमेंट गेटवे किसी से लिया हुआ था, सर प्लीज़ मुझे बता दें, अब मैं अपना गेटवे ओपन करना चाहता हूँ। इजी पैसा, जैस कैश, अनम पे आप पाकिस्तान में लॉन्च कर सकते हैं। अब्दुल बासिर 150। आरएन पेशा सुसु, सर माई क्यू क्वेश्चन इज, अब उर्दू में बात करता हूँ, जैसा आपने होलसेल मार्केट का कहा, फ्रेंड फाइंड करें, मुझे कराची की इलेक्ट्रॉनिक्स लेडीज़ का होलसेल की मार्केट सर्च करने पर रिजल्ट नहीं मिला। भाई जन बोल्टन है, जन्नत है बोल्टन, बल्कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो डाटा देती हैं स्मॉल बिजनेस वेबसाइट रजिस्टर, लेकिन चाहिए सर, क्या मुझे सर्च नहीं करनी आया फाइंड, आप बता दें। तो मैंने बताया कि बोल्टन है, अकबर मार्केट है, रीगल है, बहुत सारी मार्केट है भाई, कराची तो जन्नत है इसके मामले में। नहीं समझ आती, इंशाल्लाह फिर बता दूंगा। फिर फाद आमिर, कायनात टेक वाली, अम्मार राशिद, मोहम्मद सलमान जफर, फाद आमिर, हुमा अरसलान, गेमिंग प्लानेट। हाँ, फाइनली कमेंट्स ख़त्म हुए, 15 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियो बन चुकी है और इसमें सिर्फ कमेंट्स थे, लेकिन देखें मैंने कोई भी कमेंट मिस नहीं किया। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए और मैं इंशाल्लाह ताला ऐसे ही आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। इस वीडियो से रिलेटेड भी जो भी कमेंट्स हैं आपने ज़रूर लिखना है, अगर आप चाहते हैं उनको आपका जवाब मिले, इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर ई कॉमर्स सीखना चाहते हो, हैदर अहमद काजी को फॉलो कर लो, डिप्लॉयर्स को फॉलो कर लो और सीख लो, खुदा का वास्ता सीख लो, कुछ बन जाओ और आप बन सकते हो, आप में वो टैलेंट है। मैं ये नहीं कहता कि कल से ही अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो, लेकिन ये नॉलेज सीख लो कि आपको बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आगे आने वाला टाइम इसी का है। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स दिखा दी, एग्जांपल्स दे दी कि कैसे वो पाकिस्तान की मार्केट में छा रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं, deployers.pk हैदर अहमद काजी को फॉलो कर लें। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और किसी भी किस्म का क्वेश्चन है कमेंट में लिखें, अगली वीडियो में जवाब ले लें, एक एक आपके नाम के साथ मैं ज़रूर बोलूँगा। कमेंट्स लिख के ज़रूर बताइएगा आज का लेक्चर कैसे लगा, और आई होप इंशाल्लाह मैं इसी एनर्जी के साथ आगे भी आप लोगों के लिए डिलीवर करूँ। इस वक्त टाइम हो रहा है आई थिंक 2:30, और ये वीडियो सिर्फ मैंने आपके लिए बनाई। थैंक यू सो मच, अस्सलामुअलैकुम, हैदर अहमद काजी को दें इजाज़त, खुदा हाफिज़।